सर, बोल। गुड मॉर्निंग। हाउ गुड मॉर्निंग। इज योर लाइफ गोइंग ऑन? माय लाइफ विथ वाइफ इज वंडरफुल, फंटास्टिक, एक्सेलेंट। फैंटास्टिक एंड एक्सीलेंट। आधे से ज्यादा लोगों के पूरे वाइफ के साथ ही झगड़े हो रहे सर। ऐसा मेरा वाइफ के साथ ही झगड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया और मेरे को भी समझ में आ गया, हम दोनों का ही कंपनी है बोल के, एक कंपनी एक ही है। ही है बोल के। और सर, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस कोरोना वायरस? इट हैज डन इट्स जॉब, द कोरोना हैज डन इट्स जॉब, नाउ इट इज आवर जॉब टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स, टू बी अवे फ्रॉम यू। व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स वी कैन टेक? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज लॉक योर सेल्स अवे फ्रॉम वायरस। इफ यू आर एबल टू लॉक योर सेल्स अवे फ्रॉम वायरस, द वायरस विल डाई अलोन इन ए सॉलिडारिटी स्टेट। सर, अभी ये लॉकडाउन के जो ऑलमोस्ट 50 डेज से पूरा कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स बीन अंडर लॉकडाउन। तो इसमें जो मेंटल जो स्ट्रेस है, जो अभी एंग्जाइटी है, तो उस पे पब्लिक का मतलब इफेक्ट कैसा गिरा, मेंटल इफेक्ट कैसा गिरा? ट्रूथफुली इफ यू से अबाउट मेंटल एस्पेक्ट्स, इट इज एवरीबडीज इंडिविजुअल स्टेट्स एंड स्टेटस। मेंटल स्टेटस इज इन आवर ओन हैंड्स। इफ यू वॉन्ट यू कैन लिव जॉयफुली इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो, और यू कैन ऑल्सो ईदर चूज ऑल्सो टू बी स्ट्रेसफुल। सम वेरी रेयर, नॉट दो ऑल, बट वेरी फ्यू पीपल हैव चूजन टू बी स्ट्रेसफुल एंड दे फील दैट टाइम पास नहीं हो रहा। ट्रूथफुली इफ यू गो एंड टॉक टू पीपल लाइक अस, दे डू नॉट फाइंड मच बिग डिफरेंस। इन फैक्ट दे ऑल्सो फाइंड दैट टाइम इज गोइंग बाई नाउ। वॉट इज द डिफरेंस दीज पीपल डू देन अदर्स इज, इन द गिवन टाइम दे आर एबल टू यूटिलाइज इट टू द ऑप्टिमम फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन एंड अदर्स। सर, नंबर ऑफ सुसाइड केसेस आर आल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। यस, आई हर्ड केसेस, बट वेन यू कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर बीन अटैक्ड, द परसेंटेज इज नेग्लिजिबल। एंड एट द सेम टाइम दिस इज नॉट द ओनली कॉज फॉर सुसाइड, देर माइट बी मेनी अदर फैक्टर्स विच हैव बीन बिहाइंड देयर हेड, विच दे हैव बीन कैरिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, बट देन नाउ इट हैज टेकन शेप इन द फॉर्म ऑफ सुसाइड। अदरवाइज दिस इज नॉट द ओनली कॉज। ये क्या सर, ऑटोमेटिक डल हो गया? डल इन द सेंस लाइट वाइज, और डल हो गया एकदम। हाँ, धीरे धीरे मैं काला होता जा रहा कि क्या है कि एक्चुअली है। हाँ, मेरा भी डल हो गया सर, मेरा भी एकदम डल हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लर हो गया। अभी माई ब्राइट हो गया शायद, नहीं? चलो, तुम्हारा ब्रिलियंस थोड़ा सा मेरे ऊपर आया शायद। ब्लर सर, ब्लर हो रहा आपका वीडियो। ब्लर वीडियो ब्लर हो रहा, मेरे को क्लियर दिख रहा ना? हो रहा, रुक रुक क्या आ रहा? हाँ, सिग्नल प्रॉब्लम हो सकता क्या? हो सकता सर। अच्छा सर, व्हाट आर द टिप्स टू बी टेकन व्हाइल वी आर इन अंडर लॉकडाउन? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, ओके, लॉकडाउन मीन्स लॉक योर सेल्फ डाउन इन साइड योर हाउस। डू नॉट एक्सेप्ट एनी विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। यू डू नॉट मेक मेक एन अटेम्प्ट टू विजिट एनीबडी एल्स, फर्स्ट। सेकेंड, यू नीड टू फाइंड सम वे टू कीप योर सेल्फ एंगेज इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, ऑल आईएनजीस, आईएनजीस, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, एडमायरिंग, देर इज आईएनजी, यू स्टार्ट यूजिंग दैट आईएनजी, यू विल बी वेरी हैप्पी। बट सर, वन थिंग, मतलब जनरल जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपना
सर आपका वीडियो ब्लर हो रहा फिर से। हाँ सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा, तो उसकी वजह से हैबिट कैसा चेंज कर सकते, बिकॉज इट सडनली इट्स नॉट पॉसिबल सी टू एज यू से रीडिंग, स्माइलिंग और प्लेइंग गेम्स और कम्युनिक, स्पेशली कम्युनिकेटिंग विद द फैमिली, बिकॉज वी आर ऑल हैबिचुएटेड विद गोइंग विद वर्क, गोइंग आउटसाइड। See, this virus is coming as a blessing in disguise. सर The very small basic things which we are supposed to do in life, we started forgetting about those things. Now, this is an opportunity to gather once again and start doing it. For example, I know a reading is a habit which people have lost basically. Exactly. In fact, most of the reading they used to do in the busy life from whatever is available in the phone. But then those books which has been written long back, now if you open it, you will see there is fragrance inside those books. Those fragrance will only come to you inside you only if you start reading it actually. Reading, when you read a book, what it means is, reading means it speaks to you. Book is you. It will start talking to you. You will be able to relate to the book what it is written inside it actually. Okay. So my general point of view on regarding this lockdown was having a routine life, मतलब के लाइफ के साथ कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि कई लोग अनवांटेडली दे हैव स्टार्टेड डूइंग मोर, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्पेंडिंग ऑन एक्सरसाइज, नॉट नेसेसरी. नॉट इज इट इज नॉट नेसेसरी बट पीपल हैव स्टार्टेड, तो दे जस्ट वांट टू स्पेयर द टाइम ऑन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना, ओके. बाद में डाइट के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द डाइट एंड स्लीप एप्निया. द पीपल आर नॉट स्लीपिंग, इट्स आल्सो ए स्लीप एप्निया राइट नाउ, लेट नाइट स्लीप. तो जो भी टाइम है वो या तो ऑनलाइन में स्टे कर रहे हैं या जो भी है एक्सरसाइज वगैरह, इसके वजह से रूटीन लाइफ की वजह से जो मेरा जो ओपिनियन था वो रूटीन लाइफ जो भी है जो रेगुलर होना चाहिए, इट्स नॉट एक्सपेरिमेंट विद एनी डिस्टर्बिंग ऑफ योर रूटीन लाइफ. सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस पॉइंट? See, I can only tell you about this one. If you did not have a routine life before, you can make a routine life now. If you already had a routine life before, you can continue to do that routine works. That is the first point. The second point is actually, what is routine? Routine means to discipline ourselves in some way. See, Exactly. doing an exercise is also not harmful. But then anything in excess is harmful. Exactly. Example, can you read a book for more than 1 hour? You can't. Can you keep playing for more than 1 hour? No, you can't. Can you keep talking with someone for more than 1 hour? You can't. So that's why you need to break your whole day into some 15 minutes, half an hour packages. Half an hour of reading, half an hour of exercise, half an hour of playing, half an hour of talking, half an hour of walking. And in that, you have to put yourself half an hour of sleep also. Now, to many people, sleep is a very difficult chapter. Everybody cannot go and sleep as whenever they want to. But then they should put it to their head first that now I'm going to have my lunch, and after lunch, I'm going to take a break of half an hour and go and sleep. Speak to your mind. Because mind has got a habit, it will listen. Are you willing to talk to your mind that yes, you are going to sleep? If you give that command to your head to sleep, it will put you to sleep. So my next opinion was communication with family. मतलब जो भी कम्युनिकेशन फैमिली के साथ होता तो उनका लाइफ जो भी है मेरे हिसाब से स्टेबल रहता था। तो सडनली लॉकडाउन में ये हो गया कि कम्युनिकेशन बढ़ गया है, लेकिन उसकी वजह जो नंबर ऑफ मेंटल स्ट्रेस और केसेस है वो बढ़ रहे हैं। True. Actually, क्या है बोले तो, most of the people love sweet. Love sweet. लेकिन वही sweet खाने वाले आदमी को बोलो 2 किलो की sweet खाना है, बोलते उसकी हालत क्या हो जाएगी?
It is the same with communication with families. A person who used to only converse with family for little things, small sentences, suddenly he has lot of time to communicate. So he doesn't have a sentence. He is not prepared. But then he need not prepare at all also. Okay. If he begins to respect to a person who is before him, if he gives a helping hand, a small helping hand would also do a big difference in his personal life actually. What he does to others, in fact, he is also doing it for himself. So communication is also, he can improve, he can increase. Initially, it may be he may feel that I need to talk only quality speaking I need to do. Not necessarily. He can even do quantity speaking in the form of a childish also. You can bring out the child which is there inside you to speak. And I am sure a child only knows to enjoy. Sir, my next opinion was nature versus nurture. 50 days lockdown mein, jo nature ka jo conversion hai, totally it was opposite of your lockdown before life. ये नेचर एकदम चेंज हो गया है, लेकिन हमारा जो नेचर से कम्युनिकेशन है वो शायद थोड़ा कम हो गया. True. उसके बिहाफ में व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू बी इन कांटेक्ट विद द नेचर एनवायरनमेंट. नेचर इट वाज, इट इज, इट शैल बी, इट विल ऑलवेज रिमेन. नेचर विल ऑलवेज रिमेन. What people started doing is they started meddling with nature. The first thing what they did is we have become robbers. We started stealing the nature's place. Example, the woods, wood in the sense, the forest, which always used to have trees, big trees and this one. Where are the big trees gone? We have encroached their area. So once when we encroach our area, what they had to do, they either have to die with time or they have to go far away from us. So these things not only affected the nature, in fact, nature in return has given it back to you in the form of floods, in the form of dryness, in the form of no rain. It gave to you in return those things actually. So once when we were locked down, nature has got a chance to come out and then explore, and then it got its freedom. That's why it is breathing fresh air today for us, so that we can breathe in fresh air for our living. Okay. So, the thing is how we can keep ourselves contacted with the nature. Yes. See, the birds were singing always. The birds which were around us, It has been singing all the time, but we never heard it. We never paid attention to it. We were so busy in the singing of our own world, singing of our own workload, that we forgot the singing of the birds which were singing all the time. Today, when we went silent, our ears are able to hear the singing of the birds. So now what we need to do is increase the quality of silence, so that we can increase the beautiful singing of the birds, which is always around us actually. That is about birds. Now, some people have taken even this breath, what we take in, they have taken it for granted. Oh, bole yaar, iska to apna haq hai. Kaha ka haq hai? Us par bhi raj na raha hamara. Usse bhi hum pollute karte chale gaye. Aaj wo pollution saaf ho gaya. Nadiyan saaf ho gaye. बेहतर हवा आ रही है. उन्हें सूंघो तो ऐसा लगता है कि अरे ये हवा ऐसा होता है. जी हाँ, ऐसा ही था, ऐसा है. ऐसा अगर रहना है तो हमें हमारे हरकतों पे थोड़ा सा बाज आना है. लेकिन बात ये है ना सर कि हम जिस तरह से फिर से नेचर से हम कांटेक्ट करेंगे तो फिर मतलब नेचर के साथ खिलवाड़ ही करेंगे. नेचर से खिलवाड़ का मतलब ये नहीं है कि अपन बाहर जाना ही भूल जाएंगे. नेचर में हम आज भी आजाद हैं, हम जंगल जा सकते हैं, जंगल घूम सकते हैं, लेकिन जंगल काटना नहीं है. जंगल को आके कॉन्क्रीट जंगल नहीं बनाना है.
जंगल का मतलब है पेड़ पौधे, जंगल का मतलब ये नहीं कि बड़े बिल्डिंग। हम तो केवल सोचते हैं कि हटाकर बिल्डिंग ही बनाया जाए, जब तक पेड़ है उस पर पक्षी हैं, जब तक पक्षी हैं हमें उनका गाने गाना सुनने का मौका मिलेगा। और एक बात, अगर हमें नेचर से खिलवाड़ ना करे तो हमें ज्यादा बाढ़ का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्यादा सूखापन हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हरे पत्ते ही बादल को आकर्षित करते हैं और बारिश ले आते हैं। In one line we can say it is improper way of discipline with self or with nature. Yes, we have to discipline ourselves. छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पक्षी हैं, कई लोग उस पक्षियों को पकड़ के खा जाते हैं, आज वो पक्षी पूरे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। पक्षी है, पक्षी खूबसूरत है, देखो उसको, उसको देखने में इतना आनंद मिलता है आपको बोल नहीं सकते अपन। पक्षी को देखिए, आनंद उठाइए। पेड़ पौधे हैं, उन्हें देखिए, उसका आनंद उठाइए, लेकिन पक्षी को पकड़ के खाइएगा नहीं, पेड़ पौधों को काटिएगा नहीं। सर, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम मेनी ऑफ द पेरेंट्स, एज आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, पेरेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन ये था कि मैं हम बच्चों से किस तरह से इंटरेक्शन करें ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। पहली बात तो बच्चों को ये पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम लॉकडाउन, एक मिनट होल्ड कीजिए सर। सर एक मिनट, वन ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो जॉइनिंग। वेलकम सर, एक मिनट, वन ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो जॉइनिंग। वेलकम वेलकम। हाँ सर, आर यू देयर? या आई एम देयर। आपका फ्रेंड आ चुके? आएगा सर, आता ही दिखेगा हमको, स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं रिक्वेस्ट भेज दिया उसको। हाँ तो सर, वही पेरेंट्स का जो लाइफ है उसके बारे में मेरा जो क्वेश्चन था सर। हाँ, आपने बताया कि बच्चों को आके कैसे आके वो हैंडल करेंगे सिचुएशन। हाँ जी जी, बिकॉज़ पहली बात ये है, बोलिए, पहली बात स्कूल्स ये है सर, एक मिनट, स्कूल्स का जो लाइफ था वो डिस्टर्ब हो गया, बच्चे घरों पे है, उनको जो रेगुलर एनवायरनमेंट था, जो वो रूटीन उनका जो लाइफ था, स्कूल जाना, फिर ट्यूशन जाना, उसके बाद वो घर पे आना, जो भी है उनका पढ़ाई करना, उसका जो फिर उसके बाद लंच डिनर वगैरह जो भी था वो पूरा ब्रेकआउट हो गया। तो पेरेंट्स का इंटरेक्शन ये है कि जितना भी समय वो पेरेंट्स के साथ बिताते हैं तो मैक्सिमम ऑफ टाइम द स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग ऑन द मोबाइल गेम्स एंड ऑल, सो हाउ दे नीड टू टैकल विद द चिल्ड्रंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है कि बच्चों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वी आर एट डेंजर। मतलब डेंजर का मतलब उनको एक फियर फोबिया नहीं आनी चाहिए, पैनिक। हेलो, पैनिक इन द सेंस, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, बिकॉज या पैनिक इन द सेंस क्या है बोलते हो, से फॉर एग्जांपल अब पेरेंट्स है वो, बिकॉज ए चाइल्ड लुक्स एट पेरेंट्स फॉर ऑल देयर बिल्डिंग अप देयर लाइफ, their confidence in life. If a parent loses confidence and they feel that they are endangered in the specific time now, the children will be more in fright and fear. First of all, unko pata chalna chahiye ki it is not a matter of fear, but at the same time, we cannot afford to be careless. We cannot afford to be careless because our carelessness can cost us. But at the same time, if we are trying to be careful in life, I am sure we are going to enjoy our life and time. Ye cheez bachon ke dimag mein chal jana chahiye, first point. Second point, parents aakar unko aake ek discipline ke tarah se ek time table, ek school jata hua bacche ke paas hamesha dekhiye ek time table rehta hai, us time table ke hisab se apne ghar mein bhi ek time table banaye, unko time table aise banana hai, agar school jate तो ये टाइम टेबल, अगर घर पर इस वक्त ऐसे वक्त पर एक क्वेश्चन है बीच में,
ये बात मेरा जब पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन हुआ तो वो ये बोले कि सर हम लोग के साथ संभाला नहीं जा रहा तो बच्चों को स्कूल डाला जाता है। तो ये क्वेश्चन था बीच में आया जब। मैं तो सोचता था कि बच्चों को इसलिए डाला जाता था कि वो पढ़े लिख के बड़े बने। नहीं, पढ़े लिखे बड़े बने बट पेरेंट्स आर अनेबल टैकल विद द सिचुएशन, मतलब यस जो डिसिप्लिन जो तो स्कूल में मिलता हाँ, तो ये जितना प्रॉब्लम बच्चों का है उतना बड़ा प्रॉब्लम तो बड़ों का है इस वक्त। ये बात है सर। तो ये प्रॉब्लम बड़ों का है, छोटों का नहीं है एक्चुअली। अभी क्या है बोले तो बड़ों को भी ये समझना चाहिए कि ये वक्त कैसा है, इस वक्त ये वक्त हमें क्या सिखा रहा है और हमें क्या सिखाने पे मजबूर कर रहा है। वक्त के नजाकत को समझो और उसको ना ही खुद पर अमल करो बल्कि यह भी देखो कि आसपास या घर के अंदर जितने लोग हैं वो भी आके उस पे अमल करें। अच्छा सर, बच्चे आपका बोलिए बच्चे आपका। नाम? नहीं सर, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा था कि बच्चे तो बहुत सिंपल होते हैं, उन्हें जो सिखाया जाता वो सीखते हैं। हम भी सिखाकर भूल जाते हैं कि हमने ये चीज सिखाया है बच्चों को, लेकिन बच्चे याद रखते हैं। उन्हें ये अगर मालूम हो जाए कि ये समय ऐसा है कि इस समय पर हमें आके कुछ अलग ढंग से रहना और करना है, अगर उन्हें समझ आ जाए तो बच्चों को बिलीव मी टेंशन नहीं होगा, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा। उन बच्चों की वजह से बड़ों को प्रॉब्लम ना हो, वो खुद अपने आप को संभाले बढ़े। अच्छा सर, एक और बात ये था कि जो जो भी लाइफ अभी लॉकडाउन के दौरान तो डिस्टर्ब हो गया, मीडिया का इसमें कितना रोल है? बिकॉज मीडिया हैज क्रिएटेड ए ग्रेट पैनिक, एक फियर फियर नाम का जो वो है, वो पैनिक क्रिएट कर दिया। लोग डर रहे हैं, बात करने से डर रहे हैं, लोगों से किसी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन से भी डर रहे हैं। मतलब लॉकडाउन के बाद लाइफ किस तरह से होगा और अभी किस तरह से? एक्चुअली मीडिया के पास दो रोल है इस वक्त, दो चॉइसेस भी हैं, दो रोल भी हैं। चॉइसेस क्या है? चॉइस नंबर वन ये है, क्या उन्हें सब चीज जितना चीज चल रहा है सच सच बताकर सामने लोगों के सामने लाना है, फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस, नहीं जरूरी नहीं है कि सब चीज को नंगा करके सामने कर देना है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ऐसा है, कई ऐसे कदम उठाए जाएंगे इस वक्त जो आकर जरूरी नहीं है कि सब लोगों को बताया जाए। जब एक डॉक्टर या जो वहां पे मेडिकल पैरामेडिकल्स मेडिकल पीपल आर फाइटिंग फॉर द लाइफ ऑफ द पीपल, दे आर ट्राइंग टू सेव देम। उनका इंटेंशन एक ही होता है कि टू सेव देम। उस सेविंग में अगर सपोज बाई चांस खुदा ना खास्ता एक हादसा हो जाए, क्या मीडिया ये सोचता है कि उनको जाके एक्सपोज कर देना चाहिए कि एक आदमी मर गया? सी, इसीलिए मीडिया के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जरूरी नहीं कि वो हर चीज को आके सामने खुलासा कर दे। एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब चीज छुपाओ। यू हैव टू यूज योर विजडम, वॉट टू शो वॉट नॉट टू शो। वेन यू आर शोइंग समथिंग ऑल्सो, हाउ मच टू शो, वॉट एग्जैक्टली टू शो, वॉट इज योर पर्पज ऑफ योर शोइंग। इफ योर पर्पज इज नॉट टू फ्राइटन बट एट द सेम टाइम टू ब्रिंग अवेयरनेस, डू इट, अलाउ दम। व्हाट माय इंटरेक्शन जो था कुछ पेरेंट्स के साथ ये था कि मैंने ये सजेस्ट किया था कि अवॉइड ओवरलुकिंग ऑफ न्यूज, मतलब ज्यादा न्यूज के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए। जैसे कि 24 जितना भी टाइम हम टीवी देखेंगे तो सिर्फ न्यूज ही देखेंगे, तो वो भी एक बात थी ना सर। ज्यादा जितना आप देखेंगे तो उतना तो फियर पैन क्रिएट करेगा ना, पैनिक मेंटल जो भी देखिए, है। करेक्ट। देखिए, आप इस वक्त घर पर हैं, एक पेपर को शुरू से लेके अंत तक अगर पढ़ोगे तो आपके 3-4 घंटे ले लेगा वो, 3-4 घंटे आराम से ले लेगा। आप 3-4 घंटे बिताने के लिए अगर मजा आएगा, लेकिन अगर आप ये पढ़ रहे हो कि ये जानने के लिए कि आज कहां कौन मारा, कितना मारा, कैसे मारा, क्या केस है, पिछली बार ये है, आपको मजा नहीं आएगा।
आप उसी घनचक्र में फंसे रह जाओगे। पेपर पढ़िए ताकि जस्ट ध्यान रहे कि खबर खबर क्या है, कहां तक चल रहा है। अधिकतर देखिए पुराने जमाने में पेपर पढ़ा जाता था डिस्कशन के लिए। हर आदमी जो पेपर पढ़ता है वो डिस्कशन करता है, छेड़ता भी है लोगों को आकर के, ये जानने के लिए कि अगला वाला जानता है या नहीं। अगर नहीं जानता तो उसको ऊपर थोपने के लिए वो आके पढ़ता है पेपर। Exactly. ये जमाना वो नहीं रहा। ये जमाना पेपर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जस्ट खबर रखने के लिए कि बाहर क्यों क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे आज। उतना ही बस है। और आपके जो भी स्टैंडर्ड पेपर पढ़ने का तरीका है उसे कम कीजिए। इसलिए मत पढ़िए कि जानने के लिए, हिसाब रखने के लिए, स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने के लिए, गलतियां फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए मत पढ़िए, क्योंकि इस वक्त पेपर उसके लिए नहीं है। सर, व्हाट विल बी द लाइफ आफ्टर लॉकडाउन? इट विल नेवर बी द सेम। सर, ఇన్స్టాలో లైవ్ ఉన్నా? నా ఫోన్ ఖరాబ్ చేసి రూచాలి బాయ్, మా పిల్లలు చేస్తాను. సరే సరే, సార్. లైఫ్ ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ సార్, లైఫ్ విల్ నెవర్ బి ద సేమ్ అగైన్. నెవర్ విల్ బి ద సేమ్ అగైన్. ఫస్ట్ థింగ్, हम लोग क्या करते थे? अपन जॉगिंग वगैरह करते थे, वॉकिंग करते थे, लोगों से मिलते थे, हाथ मिलाते थे। हाथ मिलाने का समय खत्म हो गया। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ने का समय आ गया। हम लोगों ने, पूरे भारत देश वालों ने, पूरी दुनिया को बता दिया है, लोगों से मिलने का तरीका हैंडशेक नहीं होता, नमस्ते करना होता है। वो चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हम लोगों से मिलते थे, हम गले मिलते थे, बहुत नजदीक से मिलते थे, सोशल डिस्टेंसिंग अब भी मेंटेन किया जाएगा आफ्टर द लॉकडाउन, ना जाने कब तक। क्योंकि हमें तो मालूम हो गया कि लॉकडाउन खत्म, सर क्वेश्चन तो मालूम हो गया कि लॉक, हाँ क्वेश्चन, ओके। बिकॉज आप बोल रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा, लेकिन कल जो मैं टीवी देख रहा था उसमें लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई सर। लॉकडाउन की कल वाइंस की शॉप में है, लंबे तीन तीन चार चार किलोमीटर तक लाइन थी। हाँ, जिस इंसान ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया, आफत आ सकता है। आफत आ सकता, क्यों आ सकता है? हमें मालूम है कि लॉकडाउन खत्म हो गया, क्या वायरस को मालूम हो गया लॉकडाउन खत्म हो गया? लेकिन वो फियर नहीं रहा ना सर, उनके पास वो फियर ही नहीं है। वो फियर नहीं रहा तो ये सोच रहे जितने दिन ये लोग अंदर रहे थे बस हो गया, तो हो सकता है यहां से उतने दिन और बाहर अंदर रहने पड़ेंगे। कल अगर सोचो कि केसेस बढ़ने लगे, पॉजिटिव केसेस, कल अगर सोचो कि मौत का केसेस और बढ़ने लगे हैं, क्या चारा रह जाएगा हमारे पालनकर्ता वालों के पास? वो तो फिर से इंप्लीमेंट करेंगे। आज उस लॉकडाउन को अगर पालन करेंगे तो समय जल्द आएगा कि आप आजाद होंगे। अगर उसे पालन नहीं करोगे तो इतना ही समय और बिताना पड़ जाएगा। जानते हो ये क्या चीज है? वायरस एक अननोन एनमी है। यू आर फाइटिंग एन अननोन एनमी। अगर एनमी सामने आ जाए तो आप फाइट कर सकते हो, एक अननोन एनमी के साथ कैसे फाइट करोगे आप? What are the steps to be taken after lockdown? First, social distancing को भूलना नहीं चाहिए। Okay. You cannot, because you do not know where it is, because the enemy outside is still roaming. It is not caught and put inside the bar yet. It's an unknown enemy. We do not know who is carrying it. If you don't want to carry it to your home and your family, social distancing first. Secondly, stop spoiling the environment. बहुत खेल लिए environment के साथ।
डोंट स्टार्ट प्लेइंग वंस अगेन। सर यहाँ मैं एक मिनट के लिए पॉज करता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि सर जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यू था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से यूएस जो यूनाइटेड नेशंस का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारा 18 जो वर्ल्ड समिट कंट्रीज है जो भी टॉप कंट्रीज है ये अब से कम 60 या ऑलमोस्ट 55 ईयर्स से दे आर डीलिंग विद ग्लोबल वार्मिंग बट नो द मेनी ऑफ द कंट्रीज आर नॉट कोऑपरेटिंग विद दैट तो उसमें इंडिया भी टॉप है। हाँ ठीक है ये ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है। ट्रूथफुली इट इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ए बिट अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो थोड़ा बहुत जरूर है। पोल्यूशन फ्री बनाओ पहले इन्वायरमेंट को साफ रखो नदी सागर को साफ सुथरा रखो पेड़ पौधे काटना कम करो जिसके वजह से जिसको इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए अल्टरनेटिव्स ढूंढो तो आकर आप आके इस चीज से बच सकते हो वरना तो जो ना होना है तो होके रहेगा लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा उस ओर ध्यान दो और उस पर करो तो शायद थोड़ा बचने की आशा है। लेकिन हम तो ब्लैक है ना सर जैसे कि हम ये समस्या से पहले से जूझ रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो मतलब आप बोलते हैं ना बेटाइम बरसात होती है अपने पास समर में बारिश आ रही है विंटर में रेन होती है थ्रू आउट द सीजन ऑफ फोर सीजन यू आर गेटिंग रेन अनफॉर्चुनेट रेन। सी इंडिया एक ऐसा कंट्री है वेयर रिच आर वेरी रिच एंड द पुअर आर वेरी पुअर उसी तरह जिस प्लेस में बारिश होती है वहां तो धूम धड़ाके की बारिश होती है साल भर ऐसे भी जगह हैं जहां बारिश होती ही नहीं है बिल्कुल। इसको तो अपन डायरेक्टली तो इस समस्या को अपन दूर नहीं कर सकते हल नहीं कर सकते खाली दुआ कर सकते हम दुआ ये कर सकते भगवान अपनी जो मर्सी है ग्रेस है सब पर बरसाएं। Let your grace be upon everybody so that everybody enjoys your merciful rain. Because rain jitna acha hai utna kharab bhi hai. Jis waqt aana chahiye tabhi aana chahiye. Fasal ke time mein agar aa jaye to wo barbaadi bhi hai. Exactly. Yesterday it has happened in Karimnagar sir. Fasal ke time pe. Agriculture ka bahut nuksan ho sakta hai. Kyunki of course kharif season has started na. सर बैक टू अवर लाइफ आफ्टर लॉकडाउन इट इज नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वेरी इंपॉर्टेंट मैटर आफ्टर लॉकडाउन इज अबाउट इकोनॉमिकल बैलेंस। प्रॉब्लम क्या है बोले तो बाहर जब निकलोगे अब सब दुकानें बंद थे बिजनेसेस बंद थे इनकम बंद थे सब बंद थे नौकरी जिसके पास था वो तो शायद फिर भी बच गया बिजनेस वाला नहीं बचा इनकम नहीं रहा जो जिसे उन्हें देना था या भरना था वो तो समय के लिए रुक तो गया जहां यह बिजनेस शुरू हो जाएगा मांगने वाले तो पहुंच जाएंगे जिसे देना है उन्हें वो तो देना ही है जिसे बैंक में भरना वो तो भरना ही है समस्या उनकी है उनके ऊपर गौर करना चाहिए समय दो ताकि वो उठ सके और उठने के बाद तो वो तो कैसे भी भरने वाला तो भरेगा ही। सो ये बहुत बड़ी समस्या है लॉकडाउन के बाद मैं जो देखता हूं और लॉकडाउन के बाद आके हमें आके हर इंसान को एक प्यार भरे निगाहों से देखना है जो चैरिटी करते थे उन्हें बंद नहीं करना है जो ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी करते आए उनका हाथ और बटाना चाहिए ताकि हम लोग आके पहले जो दो करते थे अपन चार हो जाएं चार से छह हो जाए ताकि जो दूसरे तरफ जो लेने वाला है ना उसे भी आके राहत मिल जाए। लॉकडाउन विल नेवर बी द सेम अगेन।
व्हाट विल द मेंटल लाइफ के ऊपर कितना दबाव रहेगा? अगर एक इंसान को घर में रहने से आके मेंटल प्रेशर पड़ा है, उस इंसान को तो बाहर जाने से आके मेंटल प्रेशर कम होना चाहिए। बट आफ्टर द 50 ऑलमोस्ट मोर देन 50 डेज के बाद पब्लिक बाहर जाएगी तो उनका बिहेवियर कैसा रहेगा सर? नॉर्मल रहना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, खुश होना चाहिए। सच पूछो तो घर में रहने के बावजूद भी उसे आके मेंटल प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर आ ही रहा है तो वो आके गौर करना चाहिए कि नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए, और नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए, उसे अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। और व्यस्त कैसे रखे, वो आके काम ढूंढे। देखिए मैं घर में जानता हूं घर में कितना काम होता है। हर वो आदमी जो सोचता है कि हमने तो काम वाली बाई रखा हुआ है घर में आकर बर्तन मांजने के लिए, घर में एक घंटे सुबह से शाम तक रही, आपको पता चलेगा कि जितना बाई बर्तन घर में मांज कर चली गई थी उससे 3 गुना बर्तन मांजने पड़ते हैं घर में बीवी को उसके जाने के बाद। इसी तरह घर में अगर काम ढूंढने जाओगे तो एक नहीं बहुत सारे काम पड़े हैं, कर लीजिए, आपका समय बीतता चला जाएगा। सर क्लोजिंग वर्ड्स फॉर द चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स, दे आर इन अ पैनिक बिकॉज एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन के टाइम के वक्त ये जो लॉकडाउन हुआ, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, 10th के एग्जाम्स थोड़े बच गए, अभी सीबीएसई के एग्जाम्स थोड़े रुक गए, 10th का इंटर का जो भी है पूरे के एग्जाम्स मैक्सिमम पोस्टपोन हो, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। सबसे मैं शुरू करता हूँ छोटे से बच्चों के लिए जो 7th 8th 9th तक के बच्चे हैं, खुशी मनाओ, बगैर एग्जाम के आप लोग 8th 9th और 10th चले गए। ओके, ये तो खुशी मनाने की बात है। जिसे हाँ जिसे शौक था फर्स्ट आने का, चिंता मत करो, और भी मौके मिल जाएंगे। रही बात क्वालिफाइड लोगों की जो 10th एंड अबव हैं, आप लोग सब क्वालिफाइड हैं, आप लोग सब अपना कंप्यूटर्स यूज करते हैं। जब भी कोई और काम होता है आप लोग करते क्या है, एक पॉज बटन दबाते हैं और अपने दूसरा काम अटेंड करने के लिए जाते हैं। आप यूं समझिए कि आपका उस वक्त एक पॉज बटन दब गया, अब पॉज बटन रिलीज कीजिए और आगे से वही काम कीजिए जो आप करना चाहते थे और कर रहे थे। रिलीज योर पॉज बटन एंड कंटिन्यू द वे यू वर कंटिन्यूइंग अर्लियर। फॉर यू देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिकॉज यू हैव ए फोकस, यू हैव ए गोल टू अचीव। फोकस ऑन योर गोल एंड अचीव योर गोल्स सो दैट नथिंग, फॉर ए पर्सन हु हैज सेट हिज गोल, no distraction should distract him so that he achieves what he really wants in life. Sir, आपका कोई question मेरे लायक? हाँ, question तो नहीं है, सोचने के लिए मैं कुछ questions डालता हूँ आपको। Sir, number एक, अगर आपको ये विचार आया कि किसी से जाने, आपको जैसे विचार आया है कि किसी से जाने, ऐसे वक्त पर जो लोग आके समस्या में हैं, जो लोग बाधा में हैं, जो लोग को परेशानी है, उनके बारे में औरों से जानने की जैसे आपकी इच्छा हुई है, आप आकर जैसे जानने की कोशिश किए हैं, अब जो जानते हो तो उस चीज को अमल करने की कोशिश करो, अपनी सहायता बढ़ाओ। सहायता पैसे देने से ही नहीं होता, समय देने से भी होता है। सब कई लोग जब समय देते हैं उसको वैल्यू नहीं करते कि अरे इसने समय बिताया है अपने लिए, समय खर्च किया है हमारे लिए। आप अपना समय खर्च कीजिए और लोगों को एहसास भी ये दिलाइए कि यस, समय भी बहुत बड़ा चीज है, पैसा ही सब चीज है नहीं। समय पैसे खर्च करने से ही बड़ा आदमी नहीं होता। एक इंसान जो समय बिताकर, एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ, आपके घर कई लोग आते, कभी कभी कुछ लोग आते हैं मिलने के लिए, वो आते हैं कुछ समय बिताते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बिताते हैं और चले जाते हैं। आप क्या सोचते हो कि उसके पास फालतू टाइम था कि वो आपके पास आया? नहीं, वो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आपके पास आया है मिलने के लिए। ही हैज ए रेस्पेक्ट फॉर यू। द क्वेश्चन अगेन टू यू, टू द पर्सन हु हैज रिसीव्ड द गेस्ट इज, क्या आपने उसका उस समय को वैल्यू दिया है? आपने भी उसके साथ उतना समय बिताया है प्रेम से, प्यार से? या आप अपना टीवी ऑन करके उसके सामने बैठ गए, आप अपने टीवी में व्यस्त है और वो आकर अपना समय बिताकर चला गया? ऐसा एक छोटा एग्जांपल है, इसी तरह से बहुत सारे हैं।
एक आदमी जब अपने घर आता है तो अपना सब बहुमूल्य समय निकाल कर आता है, उस समय का दुरुपयोग ना हो, उस समय को आप वैल्यू कीजिए। इसी तरह से आप अपना समय दूसरों को दीजिए, अपना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दीजिए। और एक चीज, एडवाइस उसी को दीजिए जो पूछता है, हर आदमी को एडवाइस नहीं चाहिए, क्योंकि कई कई लोग कई चीज जानते हैं, हमसे बेहतर भी जानते हैं। इसलिए जो एडवाइस अपन लोगों को करते हैं, हमें हमें उन्हें ही करना है जो पूछता है, जो नहीं पूछता है हम उनके हाल पे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा मैं सोचता हूं। ओके, सो दीज आर द स्पेशल वर्ड्स फ्रॉम माय गुरु पीटर सर। सो सर फिनिशिंग करेंगे आप छोटी सी दो लाइन्स में, कि हम एक पब्लिक को अवेयरनेस दे सके कि COVID-19 से हम किस तरह से सेफ्टी मेजर्स ले सके, और उसके साथ ही हम मेंटल से किस तरह से फिनिशिंग दो दो लाइन में उसको फिनिश करके हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले कि एक हैंड वॉश है जो रेगुलर हैंड वॉश है, और फेस मास्क जो है, ठीक है, और जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 और 1 मीटर का गैप रहना चाहिए। तो ये जो है सेफ्टी मेजर्स है, तो आपके नजरिए से कुछ सेफ्टी मेजर्स और नहीं? एक्चुअली कैसा है बोले तो, ये मास्क भी जो यूज करते हैं हम लोग, वो मास्क उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए जिसको आके थोड़ा सा वायरस इफेक्ट है, वरना मास्क की जरूरत ही नहीं है। मास्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी अभी तो बाजार में जाइए मास्क अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो कैसे इस्तेमाल करेगा जो, अगर वो मिल ही नहीं रहा तो इसीलिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। मास्क का उपयोग जब है, जब आप में से दोनों में से किसी को एक है तो आपको बचाना है, मुझे दूसरों को बचाना है मास्क पहनकर, जब मुझे नहीं है आपको कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं। क्योंकि अगर हम मास्क को वैल्यू देते चले जाए तो उसके भाव बढ़ते चले जाएंगे, बेचने वाला उसका भाव बढ़ाता चला जाएगा। So now, what about the other measures, sir? Safety mask. Social distancing is the first. To be cheerful is very, very important. You need to be cheerful yourself first. You learn to be cheerful so that people around you may catch up this virus of cheerfulness and be cheerful. Third, do not be afraid. But careless. Don't be careless का मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं होगा and you forget one and two. Be careful. Fourth, the life will never be the same again. Don't keep complaining that अरे मैं पहले ऐसे करता था, ऐसे नहीं कर पा रहा। Life will never be the same. For fifth, pray, continue to pray for yourself, pray for others, because Prime Minister of Italy has already told, I give up. The best medical facility in the world in Italy, the Prime Minister of Italy has already told that I give up. I cannot do medically anything. I cannot help people financially. I cannot help the country economically. Everything he has given up, and he has uttered and told that I give up. And when he gave up, he began to pray. So people should begin to pray in whatever religion, whatever capacity, whatever way you want to pray. Pray, because there is power in the prayer, and God alone can put the virus underneath his foot. The virus can come only underneath the foot of the Lord and God. It is beyond man's comprehension to fight this virus. So that's why last is pray. So let's finish, sir. Yes, sure. Thank you, Vishal. It was nice talking to you. It was a pleasure talking to you. Sir, 1 minute. Next conversation, what we'll do is we'll have a group meeting. Whether it is not... रिकॉर्ड भी नहीं होता तो चले, एक मैसेज तो जाएगा ना लोग।
एक मैसेज आएगा कि 10 लोग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, जिससे मैसेज आएगा, फैमिली के अंदर मैसेज आएगा। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी फैमिली को एजुकेट करूंगा, दैट मैसेज विल बी स्प्रेड सर। सो नेक्स्ट कन्वर्सेशन हम करेंगे तो एज सून एज पॉसिबल विल हैव अ कन्वर्सेशन एंड विल हैव अ ग्रुप मीटिंग। मैं अपने स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को भी अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करूंगा, तो उसके साथ हम ग्रुप मीटिंग करेंगे। Yeah, whatever I have told is I have told in my personal capacity, and I do not quote any law. I do not say that it is authentic, and people should only take the advantage of the conversation and apply to their personal benefit, because the case, it is a case, it may vary from people to people and place to place, but people should take a note of it that we do not quote and authenticate anything. We have talked so for the benefit of the people, for the pleasure of the people, so that it can be useful. Hope it would be informative, and I congratulate and thank Vishal for taking up this step of finding out from people and knowing thank from you. People, because Vishal is, I know Vishal as a people's person. He has got concern for people, and he is trying to gather information from people so that it can reach to the large number of people who are unaware of few things. Actually, I have not told anything which is not unaware. I have not told anything which is new. I must have told it differently sometimes in my opinion and in my personal capacity. So I thank you, Vishal, for this wonderful time which you have given. Thank you, God bless you. Thank you so much, sir. Thank you for giving your valuable time. In the conversation, you said about time. Time is very precious. You gave your valuable time for us. Thank you so much. Mm-hmm. Thank you. We will value your words. Whatever the words you have given, we have taken it from the heart, and I'll prefer people also to take all these words and stay home, stay safe. Thank you, sir. Thank you very much. God bless each and everyone. And I assure you, my prayer to the people of the whole world. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir.